आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। अखंड अक्षर भावी कामणे साहेब सुंदर भावी
परमेश्वर। यदि इस पंचम काल में सबसे अधिक तपस्या किसी ने की है तो यह संत थे आचार्य सर्वणी सागर जी महाराज। उसके बाद लिया कि कोई दीक्षा किया है और मुझे पड़ गया तो मैं आऊंगा, और उनकी वही विधि भी पूर्ण हुई थी क्योंकि उनकी तपस्या महान है। और रात्रि महाराज जी निकले आगो और बोले कि भाई कोई रात्रि मुझे त्यागी मिले जो करता नहीं तो कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, बोले महाराज जी। तो ये स्थिति है, तपस्या का प्रभाव था सारी की सारी। वातावरण में श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। सुंदर से वातावरण को और सुंदर बनाने का प्रसंग आज गुरु नाम गुरु भगवान महावीर स्वामी के बाद यदि इस पंचम काल में किसी ने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा तपस्या की है तो परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य देव श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी आज समाधि दिवस भी है। 24 दिसंबर 2010 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में उदगांव में उनका समाधि मरण हुआ और तब से लेकर अब तक कहना चाहिए कि जैन धर्म का जो एक बहुत बड़ा सूर्य चमक रहा था वह कहीं ना कहीं बादलों में अस्त हो गया। सूरज निकलता है और अस्त होगा ये सभी जानते हैं, ये निश्चित बात है कि सूर्य निकलेगा तो अस्त होगा ही होगा। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जानकार लोग होते हैं, वह सूरज के निकलने के बाद अस्त होने के पहले तक अपना इतना काम सूर्य के प्रकाश में कर लेते हैं कि उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। उसी प्रकार से संत बनने के बाद जिन्होंने दीक्षा ली है, अंते समाहि मरणम, उनका समाधि मरण का अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन साधु जीवन में जब तक साधु हमारे सामने होते हैं उनसे हम इतने उनकी साधना के पुष्प ले लेते हैं, उतनी साधना के गुण ले लेते हैं कि हमें जीवन में उनकी कमी महसूस तो होती है। कभी देखिए गुरु की, माता पिता की, परिवार की कमी कभी पूरी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके द्वारा हमें मिल रहा है उसको ऐसे सहेज के रखें, ऐसे सहेज के रखें कि यदि उनके बिना चलना पड़े तो हम अपने आप को असहज महसूस ना करें, असफल महसूस ना करें, ये भावना सभी को भाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा के पास पपूत नामक ग्राम में हुआ। बचपन का नाम ओम प्रकाश था। आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज से चुल्लक दीक्षा को ग्रहण करा और बाद में सम्मी सिखड़ी सिद्ध क्षेत्र पर ही मुनि दीक्षा को धारण किया। ये हमारे जीवन का भी एक पुण्य संयोग है कि गुरुदेव तपस्वी सम्राट
आचार्य सरमदी सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा भी श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में हुई थी और हमारी मुनि दीक्षा भी सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में हुई थी। ये कहीं ना कहीं गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा जो उनके शिष्य गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने मुझे सम्मेद शिखर जी में दीक्षित की। उसके बाद में आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, यदि आपने नाम सुना होगा तो वर्तमान में जैसे हमारे पंडित साहब बता रहे थे कि यदि 1700 साधु हैं तो उनमें से 900 से ज्यादा साधु आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज अंकलीकर की परंपरा के विद्वान हैं, अर्थात एक तिहाई साधु आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आचार्य सरमदी सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज और आचार्य आदिसागर जी महाराज अंकलीकर की परंपरा के ही पर्याय हैं। चाहे वह कोई भी संत हो, बहुत सारे संत हैं। जैनागम में तीन तरह की परंपराएं चलती हैं, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज अंकलीकर वाले जिनके तपस्वी सम्राट आचार्य सरमदी सागर जी शिष्य हैं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण वाली और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी वाली। ये तीन परंपराएं पंचम काल में चल रही हैं और इनके शिष्य उपशिष्य समुदाय पूरे भारत में विचरण कर रही है। वहां से उन्होंने आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के साथ में विद्याधन को गए और लगभग जनवरी माह के 3 या 6 जनवरी को आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की 1972 में मेहसाना गुजरात में समाधि हुई और उसके बाद आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज का जो पट्टाचार पद था, पट्टबद्ध था, वह तपस्वी सम्राट आचार्य सरमदी सागर जी महाराज के हाथों में सौंपा गया। उस समय जब उनके हाथों में सौंपा गया उसके पहले से ही उनके अंदर तपस्या के गुण आ चुके थे, लेकिन उस समय जब बालक ओम प्रकाश का जन्म फपूतु में हुआ तो उस समय कोई जानता भी नहीं था कि फपूतु नाम का ग्राम भी कभी ना कभी, कहते ना कि आप यदि मान लो मैप को चेक करोगे तो उसमें प्रदेश आते हैं, प्रदेश के बाद में बड़े बड़े शहर आते हैं, लेकिन जब मैप से हट जाते हो तो वहां पर उन गांवों के नाम आते हैं जहां पर संत पुरुष ने, महापुरुष ने जन्म लिया है। तो ऐसे महान तपस्वी सम्राट, उस समय फपूतु के लोग सोचते भी नहीं थे कि फपूतु नाम का ग्राम आज पूरे भारत में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में फपूतु नाम का ग्राम के व्यक्ति ने पूरे विश्व को अपनी तपस्या से रोशन कर दिया और आज सभी लोग फपूतु ग्राम जाते हैं, उस जगह पर जाकर चरणोदक लगाने का प्रयास करते हैं, वहां की चरण धूली लगाने का प्रयास करते हैं, जिस भूमि से ऐसे बालक का जन्म हुआ जिन्होंने सारे बालकों को उतार दिया और तपस्या के ऐसे ऐसे मापदंड स्थापित किए कि सारी दुनिया उस तपस्या को ढूंढ रही है। उसने शांति सरकृति में कर ही नहीं पाया, आदमी चल लेता नहीं, आज ये प्रयास करिए मेरा कहीं ना कहीं पुण्य कमजोर हो गया जो मैं आज शांति धारा नहीं कर पाया, कल मैं अपने पुण्य को और जागृत करूंगा और कल शांति धारा करूंगा। आज देखोगे तो कल लोग आप जब करोगे, जब आपको देखेंगे, आज भगवान की भक्ति आप कर रहे हो तो आपको करने का अवसर कम मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, बोलना कोई बात नहीं, मैं आज भक्ति करते हुए देख रहा हूं। भक्ति सुंदर रूपम नाम से भी आती है कि भक्ति जो है वह भी सुंदर रूप देखती है, सुंदर भाव देखती है, सुंदर आपकी भावनाएं देखती हैं, तो इस तरह से भाव भावना बनाना चाहिए। तो गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी की तपस्या न मेरे लिए थी न आपके लिए थी, उन्होंने तपस्या तो करी अपने कर्मों को समाप्त करने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए, अपने संपूर्ण कर्मों का निवारण करने के लिए, लेकिन उनकी तपस्या के प्रभाव से हम सभी ने अपने जीवन को जीने का प्रयास किया, हम सभी ने अपने जीवन को प्रकाशमान करने का प्रयास किया। और मैं तो ये कहता हूं कि आप ये मत सोचे कि हमने उनके दर्शन नहीं किए, आप तो ये समझें कि हमारे जीवन का पुण्य है कि उनके बारे में संत बोल रहे हैं और हम सुन पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन का पुण्य है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी तो ये जानेगी भी नहीं कि कौन से महाराज थे, क्योंकि सुनाने सुनने वाला कोई रही नहीं गया। मेरे मन में पारस नाथ, मेरे तन में पारस नाथ, मेरे मन में पारस नाथ, मेरे तन में पारस नाथ, रोम रोम में समाया पारस नाथ। ओम
दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली संरक्षक डॉ एस के जैन सेठ धर्मचंद जैन प्रधान राजेश जैन उप प्रधान भीम सिंह जैन सचिव राजेंद्र जैन सह सचिव मनीष जैन कोषाध्यक्ष अतुल जैन भंडारी संदीप जैन संयोजक सचिन जैन पुनीत जैन सुनील जैन सदस्यगण पंकज जैन सुभाष जैन कुणाल जैन अजय जैन मितेश जैन नवीन जैन महिला मंडल प्रधान कविता जैन कोषाध्यक्ष स्वाति जैन